Welcome to SuperGrad's CAT. I am Pankaj Ajite and here we are going to discuss current affairs and GK for test CUET PG. Now, देखिए test CUET PG के लिए this is the second session we are taking. In our first session already we have discussed personalities like awards, appointments and ranking वाला part हम पहले ही discuss कर चुके हैं. इस session में we are going to discuss international current affairs, national issues along with sports वाला part हम इस session में discuss करने वाले हैं. This complete session is going to be in the form of quiz wherein I'll be asking some questions and on questions ke kuch detailed discussion sambhav hoga, so that we are going to take care of. We start with our very first question, and our first question talks about the attack which was done by Hamas on Israel. Ab dekhi Israel Hamas ya Israel Palestine issue ke hum baat karte hain, so it's a very very old issue, you know, long back, matlab usko agar dekhen to it's more than 100 years old issue. Even going back to history agar dekha jaye to it is as old as history. उसमें लेटेस्ट अभी की हम बात कर रहे हैं तो 7 अक्टूबर 2023 वाज़ द डे ऑन विच हमास द मिलिटेंट ग्रुप इन फ्रॉम पैलेस्टाइन दे अटैक्ड इजराइल एंड मोर देन 1500 पीपल फ्रॉम इजराइल दे वर किल्ड इन द अटैक एंड दिस अटैक के बाद में देर वॉज अनादर रिटेलिएशन विच वॉज डन बाय इजराइल अगेंस्ट हमास. अब ये दोनों जो अटैक किए गए ना इनका अपना अपना एक नाम दिया गया है. तो पहला था अटैक, मतलब फर्स्ट जो जो मिलिटेंट द्वारा अटैक किया गया, हमास द्वारा किया गया, दैट अटैक इज नोन एज ऑपरेशन अल अक्स फ्लड. उसको ऑपरेशन अल अक्स फ्लड कहा जाता है. अल अक्स जो है दैट इज वन पर्टिकुलर दिस मस्जिद मॉस्क इन जेरूसलम एंड दिस इज थर्ड इंपॉर्टेंट पिलग्रिम इन इस्लाम. तो इस पर्टिकुलर ऑपरेशन अल अक्स के अगेंस्ट में जो रिटेलिएशन किया गया था दैट वॉज ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड. तो पहला अटैक ऑपरेशन अल अक्स फ्लड, रिटेलिएशन ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड. क्यों किया गया? बिकॉज दिस ओल्ड इशू इज गोइंग ऑन और उसके ताल्लुक में हमास वहां का मिलिटेंट संगठन द्वारा इसको अटैक को स्टार्ट किया गया था एंड मेनी पीपल डाइड इन दिस. ये जो जिस दिन किया गया था दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. अक्टूबर 7 जो है दिस इज लाइक एन एनिवर्सरी. 50 साल पहले यहाँ पर योम किपुर वॉर हुआ था. योम किपुर वॉर में वेरियस अरब नेशंस दे अटैक्ड इजराइल और उसके 50 मतलब उसकी 50th एनिवर्सरी के ताल्लुक में ये स्पेसिफिक इस दिन मतलब ये 6 अक्टूबर 1973 को अटैक हुआ था और उसके आसपास ही ये अटैक जो है वो किया गया बाय हमास ऑन इजराइल. क्लियर? अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. तो व्हिच कंट्री विल नॉट ज्वाइन द ब्रिक्स ब्लॉक ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमीज मतलब नेशंस. देखिए ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स अपने आप में ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका. ब्रिक्स की शुरुआत हुई थी ईयर 2010 में. इनफैक्ट इसकी शुरुआत पहले हुई थी, वो ब्रिक के फॉर्म में 2006 में आया था. 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका ज्वाइन हुआ तो इट बिकेम ब्रिक्स, BRICS. अब ये जो इमर्जिंग इकोनॉमीज की हम बात करते हैं तो दुनिया के वह देश जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है मतलब जहां पर इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो अभी बेहतर है और आगे जा करके दे आर गोइंग टू सरपास दी बिग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड. जो इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन है, जो डेवलप्ड नेशन है उनको भी सरपास कर जाएंगे. अब ये 2001 में इट वॉज जिम ओ नील दिस वन इकोनॉमिस्ट उनके द्वारा कहा गया है कि दिस नेशंस आर गोइंग टू इमर्ज एज ग्रेट इकोनॉमीज तो दे शुड बिकम पार्ट ऑफ G7. उनको G7 का हिस्सा बनाना चाहिए. अब G7 का हिस्सा तो नहीं बने, दे अपने आप में दे हैड देयर ओन ग्रुप दैट बिकम ब्रिक्स. अब ब्रिक्स की हर वर्ष समिट कराई जाती है. दिस टाइम इट वाज 15th समिट. इस बार इट वाज 15th समिट व्हिच वाज हेल्ड इन साउथ अफ्रीका. इवन पीएम मोदी वेंट देयर. तो ये जो 15वीं समिट कराई गई थी इस समिट में ये डिसाइड किया गया कि मोर नेशंस आर गोइंग टू बिकम पार्ट ऑफ ब्रिक्स. देयर वर 6 नेशन हु वर अबाउट टू जॉइन ब्रिक्स मतलब दे वर गिवन एंट्री इन द ब्रिक्स. तो ये 5 देशों में 6 देशों को जोड़ने की बात की गई मतलब उनको अप्रूवल दिया गया एंड दे वर अबाउट टू जॉइन ब्रिक्स ऑन 1 जनवरी 2024. ये 1 जनवरी को ज्वाइन करने वाले थे. वो 6 देश थे. 6 देश कौन से थे? एक तो था अर्जेंटीना और अर्जेंटीना के अलावा जो देश थे मोस्टली देवर मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीकन नेशन. उसमें अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, दिस ईरान, सऊदी अरेबिया एंड यूएई. दीज वर द 6 नेशन हु आर अबाउट टू जॉइन द ब्रिक्स आफ्टर 15th समिट. बट इन अर्जेंटीना आफ्टर द अनाउंसमेंट एंड बिफोर द ज्वाइनिंग देर वॉज रिजीम चेंज एंड आफ्टर रिजीम चेंज देयर कम्स दिस न्यू प्रेसिडेंट एंड ही इज जेवियर मिली.
This new president जेवियर मिले refused to join BRICS. He told that it's a communist group. उसको उनको लगता है कि communist group है, तो China अपने आप में इस group में है. And they find themselves, मतलब he himself as a leader, he find their philosophy close to US and Israel. तो with this excuse कि this a communist group and we find ourselves more closer to US and Israel, he denied joining BRICS. तो जो पहले 5 देशों का ग्रुप था जिसमें 6 देश ज्वाइन करने वाले थे, उसमें से अर्जेंटीना इज नो मोर इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग ब्रिक्स. नाउ इट इज गोइंग टू बी अ ग्रुप ऑफ, इनफैक्ट इट इज ग्रुप ऑफ 10 नेशन, 5 ऑलरेडी देयर. एंड उसके बाद में जो 5 नए ज्वाइन हुए हैं उसमें इथियोपिया, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, यूएई एंड दिस ईरान, दीज आर द 5 नेशंस हु आर पार्ट ऑफ ब्रिक्स नाउ. ये अपने आप में 10 देशों का समूह अपने आप में बन चुका है. राइट. फिर इसकी विच कंट्री रिजेक्टेड द रेफरेंडम हेल्ड टू गिव ग्रेटर पॉलिटिकल राइट्स टू इंडिजिनस पीपल. इंडिजिनस पीपल मतलब होता है नेटिव पॉपुलेशन. नेटिव मतलब जो फ्रॉम वेरी बिगनिंग पीपल हु बिलोंग टू अ नेशन आर टर्म्ड एज इंडिजिनस पीपल. तो ये ऑस्ट्रेलिया की हम बात कर रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया में एक एक दिस रेजोल्यूशन लाया जा रहा था, रेफरेंडम लाया जा रहा था. रेफरेंडम वहां के प्राइम मिनिस्टर एंथोनी अल्बनीज द्वारा लाया गया था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो पॉपुलेशन है उसमें से केवल 3.8% पीपल आर एबोरिजिन्स, पीपल हु आर कॉल्ड एबोरिजिनल या टोरेस स्ट्रेट आइलैंड पीपल, उनको आइलैंडर पीपल उनको कहा जाता है. ये वहां पर सदियों से रह रहे हैं, मतलब दे आर रिसाइडिंग इन द कंट्री फॉर लास्ट 65,000 ईयर्स, बट स्टिल दे डू नॉट हैव राइट्स इन ऑस्ट्रेलिया. तो उनको ये अधिकार देने के लिए रेफरेंडम लाया गया. रेफरेंडम का मतलब होता है जनमत संग्रह. That means on a particular issue, the people, the citizens of the nation are going to be asked and उनको उनको ये confirm करना होगा. मतलब once they'll be asked and they'll be, अगर majority में okay करते हैं तो they may change the rules and they may give more rights to the indigenous people, the aboriginals and this Torres Strait Islander people. Unfortunately, जो present day Australians वहाँ पर जो हैं, citizens जो ऑस्ट्रेलिया के हैं, उनके द्वारा इस referendum को reject कर दिया गया. दिस रेफरेंडम जो था ना, इट वॉज डब्ड एज द वॉइस इन द सेंस द पीपल हु आर एबोरिजिन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, दिस इंडिजिनस पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, दे वर बीइंग गिवन वॉइस, दे वर बीइंग गिवन द राइट्स, बट अनफॉर्चुनेटली उनके राइट्स को वहां की जनता द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया. वहां पर 6 स्टेट्स हैं ऑस्ट्रेलिया में, और सभी 6 स्टेट्स ने उसको रेफरेंडम को मना कर दिया, डिनाई कर दिया. ये क्लियर. इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4. वॉट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन लॉन्च बाय इंडिया फॉर सेफ रिटर्न ऑफ इट्स सिटीजंस फ्रॉम इजराइल. देखिए, इसराइल में जो हमने बात की ना, देर वॉज एन दिस अटैक बाय हमास ऑन इसराइल. अब जब ऐसा कोई अटैक होता है तो उस देश में जो दूसरे देश के वासी होते हैं या जो वहां पर किसी विजिट के लिए किस तरीके से वहां गए होते हैं, मे बी फॉर शॉर्ट टाइम, कुछ समय के लिए गए होते हैं, उन्हें अपने देश वापस आने के लिए फिर समस्या होती है. तो ऐसी किसी भी स्थिति में हमेशा से भारत अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए प्रयास करता आ रहा है. तो इस कड़ी में लेटेस्ट जो इशू हुआ था, हमास द्वारा हमला जो इसराइल में हुआ, उसके बाद में हमने अपने नागरिकों को वहां से ऑपरेशन अजय के थ्रू वापस ला पाए हैं. नेम ऑफ द ऑपरेशन इज ऑपरेशन अजय. और ये पहली दफा नहीं हुआ है. ऑलरेडी टोल्ड यू, इन 1990 कुवैत में जब इशू हुआ था तो कुवैत एयरलिफ्ट के थ्रू उन्हें वापस लाया गया. और आपने उसके ताल्लुक में इवन यू मस्ट हैव सीन द मूवी. इसके बाद में 2015 में इट वाज नेपाल. नेपाल से हमारे देश, नेपाल में जो अर्थक्वेक आया था उससे हमारे देश के नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन मैत्री लॉन्च किया गया था, है ना. और उसके बाद में 2016 वाज द टाइम व्हेन इट 2016 वाज द टाइम व्हेन सूडान में ऑपरेशन संकट मोचन लॉन्च किया गया था. ऑपरेशन संकट मोचन. लेटेस्ट अगर देखें तो यूक्रेन में जो इशू हुआ था अभी 2022 की हम बात कर रहे हैं, तो वहां से ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया गया था. 2021 में ऑपरेशन देवी शक्ति लॉन्च किया गया था टू ब्रिंग बैक आर इंडियंस फ्रॉम अफगानिस्तान, है ना. तो यूक्रेन ऑपरेशन की बात करें तो यूक्रेन ऑपरेशन इज टर्म्ड एज ऑपरेशन गंगा, सूडान इज टर्म्ड एज संकट मोचन. लेटेस्ट अगर हम सूडान ऑपरेशन की बात करते हैं तो ऑपरेशन कावेरी लॉन्च किया गया. तो जो अभी सूडान में जो सिविल वॉर की स्थिति हुई, तो अभी ऑपरेशन कावेरी लॉन्च किया गया. सो थ्रू थ्रू दिस वेरियस ऑपरेशंस इंडियन इंडियन गवर्नमेंट इज ऑलवेज नो ट्राई टू ब्रिंग बैक आर इंडियंस, जो उनको वहां जो फंस जाते हैं उनको वापस लाने के प्रयास करते हैं. तो यहाँ पर ऑपरेशन अजय ए शुड बी आर करेक्ट आंसर. दीज अदर नेम्स यू मस्ट रिमेंबर.
विच ऑर्गेनाइजेशन वॉज सक्सेसफुली इंक्लूडेड इन G20 ड्यू टू इंडिया इनिशिएटिव। अब इस बार हम देखें तो G20 में इंडिया वॉज हेडिंग द G20, इंडिया वॉज चीफ ऑफ G20 और G20 समिट हमारे यहाँ पर कराई गई थी। G20 अपने आप में जो ग्रुप है ये 1999 में स्टार्ट हुआ था, पोस्ट जो रिसेशन उस समय जो इश्यू हुआ था 97-98 में, उसके बाद में दुनिया भर के जो टॉप 20 इकोनॉमीज हम समझे उन देशों के बैंक गवर्नर, सेंट्रल बैंक गवर्नर्स और वहां के फाइनेंस मिनिस्टर्स के द्वारा इसको एक समिट लेवल टॉक स्टार्ट की गई थी। ये समिट लेवल टॉक बाद में जाकर के जो हेड ऑफ द स्टेट लेवल टॉक जो है उसमें तब्दील होती है, और ये हर हर वर्ष इसकी एक समिट कराई जाती है। इट्स नॉट अ ग्रुप वेर इन विच हैज गॉट सम हेडक्वार्टर्स और सम सेक्रेटरिएट, ये अपने आप में एक समिट लेवल बातचीत होती है। और इसमें दुनिया के 19 बिग इकोनॉमीज अलोंग विथ यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन अपने आप में ग्रुप ऑफ नेशन है, इसमें 27 कंट्रीज आर पार्ट ऑफ इट, है ना। पहले यूके था, बाहर हुआ तो 27 बचे हैं। तो ये 19 बड़ी इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड और एक यूरोपियन यूनियन मिलकर के G20 बनाते हैं। अब दुनिया भर में क्या हुआ है कि जितने बड़े ग्रुप बने हैं उनमें ग्लोबल साउथ को हिस्सेदारी नहीं दी। ग्लोबल साउथ मतलब कंट्रीज हु आर फ्रॉम साउथ एशिया, हु आर फ्रॉम कंट्रीज विच आर फ्रॉम अफ्रीका। तो इन देशों में, मतलब उसमें हम ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की बात भी कर सकते हैं, उसमें साउथ ईस्ट एशियन नेशन को भी ले सकते हैं। तो ये जो देश है बेसिकली मिडिल ईस्टर्न पार्ट भी हम माने तो ये देश जो है वो ग्लोबल साउथ कहलाता है। इनको रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया अभी तक। तो इस ताल्लुक में पीएम मोदी एंड इंडिया के जो इनिशिएटिव्स के ताल्लुक में देखा जाए तो जो हमारे समिट हुई थी उसमें हमारे द्वारा प्रयासों के बाद में अफ्रीकन यूनियन को G20 का हिस्सा बना दिया गया, मतलब G20 में अफ्रीकन यूनियन भी जोड़ दिए गए। तो नाउ इट इज 19 नेशन प्लस यूरोपियन यूनियन प्लस अफ्रीकन यूनियन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ G20। दिस इज दीज 54 नेशंस आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ G20 नाउ। अब इसका नाम तो अभी चेंज नहीं किया गया है, मे बी इन टाइम टू कम अगेन इट इज गोइंग टू बी कॉल्ड G20 ओनली, बट हियर इन अर्लियर 19 नेशन प्लस यूरोपियन यूनियन वॉज देयर, नाउ इट इज 19 नेशन प्लस यूरोपियन यूनियन अलॉन्ग विथ अफ्रीकन यूनियन टू। क्लियर? विद दिस वी कम टू क्वेश्चन नंबर 6। अ चाइनीज कंपनी हैज क्रिएटेड अ यूनिक स्मार्टफोन बैटरी दैट विल लास्ट फॉर अराउंड 50 इयर्स। कितने वर्ष? 50 वर्ष तक ये बैटरी लास्ट करने वाली, मतलब वंस चार्ज दिस इज गोइंग टू वर्क फॉर 50 लॉन्ग इयर्स। एंड दिस बैटरी इज गोइंग टू बी यूज फॉर मोबाइल फोन्स, फॉर ड्रोन्स एंड एज वेल एज फॉर दी पेस मेकर, जो हार्ट एलिमेंट के लिए जो काम करते हैं पेस मेकर्स में इस बैटरी का यूज किया जाएगा। क्यों इतना काम कर पाएगी बैटरी? बिकॉज वो न्यूक्लियर पावर बैटरी की तरह एक तरीके से बनाया जा रहा है। तो दिस इज गोइंग टू वर्क फॉर 50 लॉन्ग ईयर्स। विच इंडियन आईटी जायंट हैज बीन रैंक्ड एज द सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल आईटी ब्रांड इन द ग्लोबल लिस्ट? फर्स्ट मोस्ट वैल्यूएबल आईटी ब्रांड इन द ग्लोबल लिस्ट इज एक्सेंचर। एक्सेंचर के बाद में इट इज टीसीएस जो है दैट हैज बिकम द सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल आईटी ब्रांड एंड बिलोंग्स टू इंडिया। तो टीसी एक्सेंचर इज एट द फर्स्ट पोजिशन एंड टीसीएस इज एट द सेकंड पोजिशन। Then we come down to question number 8, which says which of the following is the name of the operation launched by the mission launched by Japan for successful soft landing on the moon. अब इससे related एक important दूसरा question हो सकता है कि which of the following was the name of the mission that was launched by India for successful landing on the moon? तो हमारा जो mission था that mission is known as Chandrayaan 3, ध्यान रख लीजिएगा। Chandrayaan second was not successful in 2019. Chandrayaan 3 जो है इट इज सक्सेसफुल मिशन। तो इसे 14th ऑफ जुलाई को लॉन्च किया गया था और 23rd अगस्त को हमने सक्सेसफुल लैंडिंग की थी। इंडिया बिकेम ओनली फोर्थ नेशन टू हैव अ सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग ऑन मून, फोर्थ नेशन, है ना, और ओनली फर्स्ट नेशन टू हैव अ सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग ऑन साउथ पोल ऑफ द मून, है ना, ओवरऑल चौथा देश, और साउथ पोल पे सक्सेसफुल लैंडिंग वाला हमारा देश बना पहला देश। क्लियर? उसके बाद में ये हमने किया था इन मंथ ऑफ अगस्त, ये हुआ है। उसके बाद में जापान वेंट ऑन टू डू द सेम थिंग इन मंथ ऑफ जनवरी 2024। तो जापान मून मिशन स्नाइपर जो था दैट अचीव सक्सेसफुल लैंडिंग ऑन मून ऑन 9th of January 19, 2024। हम ये कारनामा 2023 में ही कर चुके थे। Then number of tourists visiting Maldives were highest from which of the following nation in year 2023? अब Maldives में सबसे ज्यादा tourists किस देश से जाते हैं अपने आप में that is not that important a question, but now it is important. Reason being कि Maldives is going through an issue, a turmoil मान सकते हैं, turmoil ही बोलना चाहिए उसे. Reason being earlier there was a government in Maldives which was India friendly government. In 2023 वहां चुनाव होते हैं, वहां पर एक China friendly government आती है
जिसके जो प्रेसिडेंट बनते हैं वो होते हैं मोहम्मद मोइजू। एंड दिस गाय मोइजू इज अ प्रेसिडेंट ऑन हिज फर्स्ट विजिट ही वेंट टू चाइना। नॉर्मली व्हाट हैपेंस कि ऑन हिज ऑन द फर्स्ट विजिट ऑफ एनी प्रेसिडेंट फ्रॉम मालदीव्स दे कम टू इंडिया, बट ही वेंट टू चाइना। तो व्हेन ही वेंट टू चाइना फॉर हिज फर्स्ट विजिट, उस समय सम ऑफ द मिनिस्टर्स फ्रॉम मालदीव्स वेंट टू ट्वीट अगेंस्ट पीएम मोदी। एंड व्हाई डिड सो? बिकॉज पीएम मोदी वेंट टू लक्षद्वीप, ही अप्रिशिएटेड लक्षद्वीप एंड ही टोल्ड दैट लक्षद्वीप कैन बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन। तो मालदीव्स के कुछ मंत्रीज ने लक्षद्वीप को मालदीव से कंपेयर करते हुए दे वेंट ऑन टू ट्वीट अगेंस्ट पीएम मोदी। हमारे द्वारा बॉयकॉट मालदीव्स ट्रेंड करवा दिया गया सोशल मीडिया पर। इंडियंस वेंट ऑन टू ट्रेंड बॉयकॉट मालदीव्स। एंड वेरी फर्स्ट डे 8,000 बुकिंग्स एंड अराउंड 2,500 फ्लाइट बुकिंग्स वर कैंसल्ड। एंड इवेंचुअली दे वेंट ऑन टू इनकर लॉट ऑफ लॉसेस इन मालदीव्स। तो नाउ व्हाट हैपेंस कि नाउ इंडियंस हु यूज्ड टू गो टू मालदीव दैट हैज कम डाउन ड्रास्टिकली इवन बाय 50% बुकिंग्स वगैरह जो है वो लोग ने वहां जाने से मना कर दिया है। अब अभी तक इंडियंस वर वन ऑफ द टॉप जिसको ना देश थे जो वहां पर दे वर गोइंग एज टूरिस्ट। 2023 का यहाँ पूछा गया है। अब ये स्टोरी सुनकर के थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि ऑब्वियसली इंडिया शुड बी द आंसर, बट 2023 में इंडिया नहीं, इट वॉज रशिया। इसके पहले के वर्षों में इंडिया यूज्ड टू बी, देखिए इसको समझ लीजिए, 2023 की बात करते हैं तो रशिया वॉज नंबर वन, इंडिया वॉज सेकंड, मतलब हमारे देश से दूसरे सबसे ज्यादा टूरिस्ट वहां गए हैं इसके पहले के 3 वर्षों में। बिकॉज मैंने कहा ना क्योंकि वहां पर इंडिया फ्रेंडली गवर्नमेंट थी, इसलिए इसके पहले के 3 वर्षों में इंडिया वॉज नंबर वन, उसके पहले सेकंड, एंड देन अब फिर से भी आ सेकंड। एंड मे बी बिकॉज इंडिया फ्रेंडली गवर्नमेंट नहीं है जो कि इसके पहले 2018 तक नहीं थी, तो हम लोग पांचवें पायदान पर थे। देन इंडिया फ्रेंडली गवर्नमेंट आई तो हम फर्स्ट हो चुके थे। नाउ व्हेन अगेन जब इट्स नॉट इंडिया फ्रेंडली गवर्नमेंट देयर, तो वी आर सेकंड इन 2023 एंड मे बी इन टाइम टू कम इट इज गोइंग टू गो डाउन। सो दैट वॉज द कंप्लीट इशू। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो विच एयरपोर्ट वॉज क्राउंड द वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट फॉर द ईयर 2023। देखिए इसके पहले के 2 साल का अगर पूछते हैं तो कतर का हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसके पहले के 2 साल, 2021 2022 अपडेट कर लीजिएगा। इस साल इट इज सिंगापुर शांगी एयरपोर्ट जो है वह दुनिया का सबसे बेहतरीन एयरपोर्ट माना जा रहा है। दिस एयरपोर्ट वॉज अप्रिशिएटेड बाय टेलर स्विफ्ट, ब्रैड पिट एंड इवन एलोन मस्क ने इस एयरपोर्ट को अप्रिशिएट किया है। तो दिस टाइम अराउंड फॉर ईयर 2023 सिंगापुर शांगी एयरपोर्ट वेंट ऑन टू बिकम द बेस्ट एयरपोर्ट, वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट फॉर ईयर 2023। इसके पहले 2 साल तक इट वॉज कतर समाद एयरपोर्ट। ओवरऑल ये करीब करीब 12वीं दफा, 12th टाइम इट इज बिकम, इसके पहले 11 दफा, एंड दिस इज द 12th टाइम इट गॉट दिस टॉप पोजिशन इन इन वर्ल्ड एयरपोर्ट। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो होना चाहिए शुड बी सिंगापुर शांगी एयरपोर्ट। वर्ल्ड लार्जेस्ट सप्लाई ऑफ लिथियम वॉज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? फॉर्चुनेटली यहाँ पर इंडिया नहीं दिया हुआ है। भारत ने भी पिछले साल सबसे ज्यादा, अभी तक का सबसे ज्यादा इसको बोलना चाहिए, लिथियम का भंडार जम्मू में पाया गया था, जम्मू कश्मीर में रायसी डिस्ट्रिक्ट में पाया गया था 5.9 मिलियन टन। एंड लिथियम इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मेटल। रीजन क्या उसका होता है, क्योंकि इसकी जो लिथियम बैटरीज में यूज होता है एंड फॉर डिवाइसेस लाइक मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, डिजिटल कैमरास, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो अभी तक हमारे देश में नहीं मिलता था। तो पहली बार यह जम्मू कश्मीर में 5.9 मिलियन टन मिला है, जो अपने आप में बहुत बड़ा भंडार है अपने आप में, मतलब तो एक तरीके से खजाना मिला है मान के चलिए। आपसे पूछा गया था दुनिया का सबसे बड़ा भंडार, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, तो इट वाज फाउंड इन यूएस। इवन यूएस वाज अर्लियर डिपेंडेंट ऑन अदर नेशन लाइक चिली, अर्जेंटीना, ये जो देश हैं इस पर यूएस डिपेंडेंट था, बट नाउ इवन यूएस गॉट अ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट दिस लिथियम भंडार जो मिला है, 18 मिलियन टन का भंडार मिला है, हमको मिला था 5.9 मिलियन टन का। एंड यूएस गॉट दिस लिथियम डिपॉजिट्स ऑफ 18 मिलियन टन। तो उसकी डिपेंडेंसी जो है वो दूसरे देशों पे अब कम हो जाएगी। एंड सेम गोज विद इंडिया, फॉर अस आल्सो इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। देन गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 12, वेयर डिड गवर्नर वीटोड अ बिल एम्ड एट आउटलॉइंग कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन यूएस? अब समझिए, देखिए सिएटल वाज द फर्स्ट सिटी जहां पर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में एक बिल लाया गया था, विधेयक लाया गया था। स्टेट वाइज अगर बात करें तो यूएस का पहला स्टेट था कैलिफोर्निया, जहां पर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो होता है, जाति के के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन जो होता है, उसके अगेंस्ट में एक बिल लाया गया। ये बिल लाया गया था, बट इस बिल को वहां उस स्टेट के जो गवर्नर थे उन्होंने उसको वीटो कर दिया। वीटो कर दिया मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं किया।
क्यों नहीं किया गया, वो ये बोलते हैं कि हमारे यहाँ पर इसी किस ऐसे भी किसी तरीके के बिल की आवश्यकता नहीं, ऑलरेडी वी हैव गॉट लॉस फॉर इट, तो वी डोंट बिल ऑन कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, स्टेटिंग इट वाज अननेसेसरी। व्हाई अननेसेसरी? बिकॉज ऑलरेडी दे हैव प्रोहिबिटेड एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन एनी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, तो जब पहले से है डिस्क्रिमिनेटेड वहां पर, तो ये इस बिल को उनके द्वारा मना कर दिया गया। क्लियर? तो ध्यान रखना, अगर आपसे स्टेट पूछते हैं तो कैलिफोर्निया द्वारा दिया गया था, रिजेक्ट हो गया, और अगर सबसे सिटी पूछते हैं तो सिएटल में पहले किया जा चुका है। यूनाइटेड नेशंस डिक्लेयर्ड ईयर 2024 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ, अगर ये 2023 होता, हैड इट बीन 2023, तो यहां पर मिलेट्स हमारा आंसर होता। क्लियर? तो ध्यान रखिए, अगर क्वेश्चन ये आ जाता है कि 2023 में क्या था इंटरनेशनल ईयर ऑफ, तो भाई 2023 में मिलेट्स था, और भारत के अनुमोदन पर मिलेट्स बोला गया था। मिलेट्स मतलब ज्वार, बाजरा, रागी, बगर, मोरधन, जो इन अनाज को मिलेट्स बोला जाता है। सो हैड इट बीन 2023 तो आवर आंसर वुड हैव बीन मिलेट्स, बट हियर वी आर आस्किंग व्हाट इज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ, व्हिच मतलब इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैम्बलेट्स ये बोला जाएगा फॉर ईयर 2024, मतलब 24 के बारे में पूछें तो कैम्बलेट्स, और 23 के बारे में पूछें तो मिलेट्स। तो ये दिस इज 2023 एंड दिस इज 2024, बट देन कम्स कि भाई कैम्बलेट्स क्या होता है, बिकॉज कैम्बलेट्स हमारे देश में नहीं पाए जाते हैं, इसलिए हम लोग को शायद नहीं मालूम है। कैम्बलेट जो होते हैं वो जीव होते हैं, है ना? अब इसको देख लीजिए, ये मैप अगर आप देखते हैं तो दे आर नॉट फाउंड इन इंडिया, आप ये मैप में देख सकते हैं, बट दे आर फाउंड इन दिस अफ्रीका, मिडिल ईस्ट एंड दिस साउथ अमेरिकन पार्ट। और इन्हें इस टाइप के जानवर जो होते हैं उन्हें कैम्बलेट्स बोलते हैं। दे आर अरेबियन कैमल, है ना, बैक्टेरियन कैमल, विकना, वोंको, अल्पाका, लामा, दीज आर द एनिमल्स जो कैम्बलीड्स कहलाते हैं। तो इस साल को देन वी कम टू क्वेश्चन नंबर 14, दैट सेज रिक्शा पेंटिंग हैज बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। देखिए, टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज जो होती है कोई जगह हो सकती है, इंटेंजिबल अपने आप में कोई ट्रेडिशन हो सकता है, कोई क्राफ्ट हो सकता है, तो उसको रिक्शा पेंटिंग को भी अपने आप में इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की तरह इंक्लूड किया गया। जैसे भारत में गरबा इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है, हमारा कुंभ मेला जो होता है वो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है, वैसे ही बांग्लादेश के रिक्शा पेंटिंग को उन्होंने इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की तरह इंक्लूड किया है। क्या होता है, रिक्शा एंड रिक्शा पेंटिंग इन ढाका ऑफ बांग्लादेश इज रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट जो होती है उसमें इसको इंक्लूड किया गया है। अब ये होता क्या है, इसको अगर आप देखें तो दिस इज द वे, अगर आपने देखा हो तो हमारे यहाँ कई सारे ट्रकों के ताल्लुक में आपने देखा हो तो उनको बड़े तरीके से सजाया जाता है, पेंटिंग की जाती है, वैसा ही बांग्लादेश में रिक्शा को इस तरीके से सजाया जाता है। तो दिस रिक्शा पेंटिंग हैज बीन टर्म्स एन इंटेंजिबल कल्चर डिश टेकन फ्रॉम इंक्लूडेड फ्रॉम बांग्लादेश। विच आर द फॉलोइंग कंट्रीज टॉप प्रोड्यूसर ऑफ ओपियम, अफीम का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन सा देश है? नॉर्मली अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो अफगानिस्तान आंसर होता है, इस बार इसका आंसर म्यांमार है। अफगानिस्तान पहले ऐसा देश था जहां अफीम की दुनिया भर में सबसे ज्यादा पैदावार होती थी, प्रोडक्शन होता था, नाउ इट इज म्यांमार। रीजन बीइंग, अफगानिस्तान की तालिबान गवर्नमेंट द्वारा अफीम की खेती पर वहां पर रोक लगा दी गई। ओपियम कल्टीवेशन इन अफगानिस्तान वॉज बैंड बाय तालिबान इन ईयर 2022। और ऑन द कॉन्ट्ररी, म्यांमार में जब वहां पर जनता गवर्नमेंट, जो बेसिकली होना चाहिए वहां की, जो मिलिट्री शासन वहां पर आया है, तो वहां पर मिलिट्री शासन के आने के बाद में अफीम की खेती बढ़ गई, क्योंकि लोगों के पास में दे हैव गॉट नो अदर ऑप्शन, तो मेनी पीपल वर ड्रोव फॉर पॉपी फार्मिंग, एंड दैट इज व्हाई अफगानिस्तान इज नो मोर नंबर वन नेशन इन टर्म्स ऑफ ओपियम दिस कल्टीवेशन, म्यांमार इज बिकम। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर जो है वो म्यांमार आना चाहिए, अफगानिस्तान बेटा गलत दिया हुआ है, वेरी सॉरी, इट इज नॉट सी, इट इज डी ओनली, हमारा करेक्ट आंसर यहां पर डी होना चाहिए, है ना, म्यांमार है, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान पहले हुआ करता था, राइट। What is the name of the first humanoid robot appointed as the CEO by Hanson Robotics and Dictador, marking a historical milestone? इसका ये मतलब होता है कि किस पर्टिकुलर दिस रोबोट को दुनिया का पहला रोबोटिक सीईओ बनाया गया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मतलब हमने रोबोट से बाकी सारे काम करवाते हुए कई जगह देखा है, मतलब रोबोट्स आर डन यूजुअली नो दे आर इंक्लूडेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग, बट हियर इन द रोबोट हैज बीन मेड अ सीईओ ऑल टुगेदर। किसने बनाया है, तो इट वॉज डन बाय मीका वॉज अपॉइंटेड, मतलब नेम ऑफ द रोबोट पूछा गया है। और एक कंपनी होती है हैंसॉन रोबोटिक्स, ये पॉलिश रम कंपनी है, एंड दे वेंट ऑन टू अपॉइंट अ सीईओ, अ रोबोटिक ह्यूमनाइड रोबोट सीईओ। और इस रोबोट को जितनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है कंपनी की, वो मार्केटिंग, सेल्स, ऑपरेशन, कस्टमर सर्विस,
R&D, वो सारी डिटेल जो है वह रोबोट को प्रोवाइड की जाएगी। एंड उस इंफॉर्मेशन को देखते हुए दिस रोबोट इज गोइंग टू डिसाइड अपॉन वेरियस थिंग्स। तो नॉर्मली वेरियस डिसीजन मेकिंग जो कि एक सीईओ द्वारा करे जाते हैं वो यहाँ पर रोबोट द्वारा कराए जाएंगे। तो मीका इज द फर्स्ट सच रोबोट हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ह्यूमनॉइड सीईओ की तरह उनको अपॉइंट किया गया है। पोलैंड की कंपनी है। विच कंट्रीज रिप्रेजेंटेटिव वॉज क्राउन्ड 72nd मिस यूनिवर्स 2023? कहाँ से है? तो शी इज फ्रॉम निकारागुआ, है ना। दिस लेडी फ्रॉम निकारागुआ वॉज क्राउंड एज द मिस यूनिवर्स 2023। शी वेंट ऑन टू बिकम द फर्स्ट लेडी फ्रॉम हर नेशन निकारागुआ, जिनको मिस यूनिवर्स का क्राउन जो है उनके द्वारा जीता गया। विच कंट्री होस्टेड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट? अब ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू ड्यूरिंग डिस्कशन, हम लोग G20 की जब बात कर रहे थे, तो G20 में अफ्रीकन यूनियन को इंक्लूड करना ये भारत का इनिशिएटिव था। एंड ग्लोबल साउथ में ना, एज आई हैव टोल्ड यू, साउथ एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, मिडिल ईस्टर्न नेशन, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, ये सारे देश जो होते हैं जो ओवरऑल ग्लोब का सदर्न पार्ट कहलाता है, उसको हम लोग ग्लोबल साउथ बोलते हैं। अब ग्लोबल साउथ को यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी काउंसिल में, ग्लोबल साउथ को G7 में, और ग्लोबल साउथ को दुनिया भर की बड़ी कई सारी जो ग्रुप्स होते हैं उनमें शुमार नहीं किया जाता, उनको नेग्लेक्ट किया जाता है। तो इंडिया हैज बिकम अ वॉइस, इंडिया हैज बिकम अ लीडर इन दिस रिगार्ड। एंड भारत द्वारा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ एक समिट जो है वो भारत में कराई गई थी, एंड इट वॉज डन लास्ट ईयर, जैन 2023 का है, बट अपने आप में इंपॉर्टेंट है ना। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ वॉज ऑर्गेनाइज बाय इंडिया ओनली। विच इज द फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज लाइनर टू अकोमोडेट डोमेस्टिक सेलिंग इन इंडिया? क्रूज लाइनर, इंटरनेशनल क्रूज लाइनर मतलब भारत के बाहर, मतलब ये हमारे यहाँ पर लाया गया एक तरीके से, और ये इंटरनेशनल क्रूज लाइनर है जो डोमेस्टिक सेलिंग के लिए यूज किया जा रहा है। तो चलो फॉलोइंग इस, तो यहाँ पर हमारा आंसर होता है कोस्टा सेरेना। इसमें समझ लीजिए, क्रूज लाइनर का मतलब होता है एक बड़ा सा जहाज, बड़ा सा शिप, अ लग्जरी शिप एक तरीके से मान है, और जो देश में ही नदियों में, जिसको बोलना चाहिए समुद्र तट के थ्रू, उसको देश में ही सेलिंग करवाने के लिए इंक्लूड किया गया। तो कोस्टा सरना हैज बिकम द फर्स्ट सच इंटरनेशनल क्रूज लाइनर। यहाँ पर जो ये MV गंगा विलास जो बोलते हैं, तो ये रिवर क्रूज लाइनर है ना, मोटर व्हीकल इसका मतलब होता है ना। MV एम्प्रेस जो है वो भी क्रूज लाइनर है, बट ये इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल का मतलब होता है कि एक देश से दूसरे देश जाने के लिए। ये जो कोस्टा सरेना है ये लोकल डोमेस्टिक यूज के लिए। गंगा विलास जो है वो रिवर के ताल्लुक में पहला होता है। चेरेपानी जो है अपने आप में एक एक फेरी जिसको बोलते हैं बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, इसको स्टार्ट किया गया है जो 1984 में वहां सिविल वॉर स्टार्ट होने के बाद में बंद कर दी गई थी, उसको फिर से स्टार्ट कर दिया गया है। तो MV एम्प्रेस इज अ क्रूज लाइनर, बस इंटरनेशनल क्रूज लाइनर बिटवीन इंडिया श्रीलंका, इसको स्टार्ट किया गया था। MV गंगा जो है वो रिवर क्रूज लाइनर हो गया, है ना। कोस्टा सरना एक इंटरनेशनल क्रूज लाइनर फॉर डोमेस्टिक यूज हो गया। एंड चेरियापानी इज अ फेरी, इट्स नॉट अ लाइनर। फेरी का मतलब होता है एक छोटा जहाज, जो अपने गेटवे ऑफ इंडिया के बाहर जो देखते हैं ना मुंबई में, उसको हम फेरी बोलते हैं। तो वो चेरियापानी इज अ फेरी बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, जिसको कुछ समय पहले 1984 के बाद, अब जा करके इतने 40 साल बाद उसको भी स्टार्ट किया गया। क्वेश्चन नंबर 20 सेज व्हिच कंपनीज पार्लियामेंट वोटेड टू ज्वाइन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट? अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है उनके द्वारा पुतिन के अगेंस्ट में वारंट इशू किया गया है ना। मतलब कि पुतिन अगर ऐसे किसी देश में जाते हैं जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का सदस्य है, तो पुतिन को गिरफ्तार किया जा सकता है। इसको इस तरीके से देखो कि साउथ अफ्रीका में जब G20 जब जब ब्रिक्स समिट करवाई जा रही थी, तो पुतिन डिड नॉट गो टू साउथ अफ्रीका, एंड पुतिन पार्टिसिपेटेड इन दिस G20, सॉरी ब्रिक्स समिट इन साउथ अफ्रीका जो हो रही थी थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, बिकॉज साउथ अफ्रीका इज मेंबर ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, राइट। तो किस देश द्वारा मेंबरशिप ले ली गई क्रिमिनल कोर्ट की, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की? तो इट वॉज अर्मेनिया, है ना। अर्मेनिया पार्लियामेंट ने वोट किया टू ज्वाइन द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। फर्दर स्ट्रेनिंग द रिलेशनशिप विथ रशिया, जो उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट पहले अलाय हुआ करता था, इसलिए कह रहा हूं कि पहले रशिया यूज टू सपोर्ट अर्मेनिया अगेंस्ट अजरबैजान। दिस टाइम रशिया वॉज बिजी विद इट्स वॉर विथ यूक्रेन। तो अजरबैजान ने जब अर्मेनिया पर हमला किया, तो रशिया ने उसकी मदद नहीं की, अर्मेनिया जो है वो उस हमले में हार गया। तो उसको एक नागोर्नो करबाख करके एक इलाका होता है जो कि अजरबैजान को देना पड़ा। अब इससे नाराज होकर के अर्मेनिया की पार्लियामेंट द्वारा ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को ज्वाइन कर लिया गया। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पुतिन के अगेंस्ट में वारंट जारी किया हुआ है।
ऑब्वियसली अब जब ऐसा कुछ होता है तो वहां का जो जो ये बोलना चाहिए, रशिया द्वारा इसका विरोध किया गया, रशिया ने इसको विरोध, रशिया लेबल्ड अर्मेनिया मूव एज अनफ्रेंडली स्टेप। अर्मेनिया बोला नहीं, हम आपको आपके किसी पर्टिकुलर इशू को फेस करते हुए नहीं कर रहे, हम लोग को तो ऐसे ही ज्वाइन करना था। तो दिस वॉज द कम्प्लीट इशू। तो अर्मेनिया वेंट ऑन टू ज्वाइन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। अब हम नेशनल इश्यूज के ताल्लुक में आए तो यहाँ जो इंपॉर्टेंट जो इवेंट हुई है उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस के ताल्लुक में देखें तो आपसे सिंपल क्वेश्चन बनता है, हु हैज डिजाइन श्री राम टेम्पल अयोध्या, है ना, जो 22 जनवरी को शिलान्यास की जो जो प्रांत प्रतिष्ठा जो वहां पर की गई ना, उस ताल्लुक में आपसे कुछ क्वेश्चन वहां पर पूछे जा सकते हैं। तो 22 जनवरी वहां पर जो प्रांत प्रतिष्ठा की गई उसमें जो मूर्ति बनाई गई थी ना, दैट दैट पर्टिकुलर दिस स्टैचू वॉज मेड बाय चंद्रकांत सोमपुरा, है ना, ध्यान रखिए। नहीं सॉरी सॉरी, इसमें हम टेम्पल की बात कर रहे हैं, टेम्पल डिजाइन की बात कर रहे हैं। मूर्ति की जब बात करते हैं तो अरुण योगीराज हमारा आंसर हो, अगर टेम्पल की बात यहाँ पर कर रहे हैं तो यहाँ पर चंद्रकांत सोमपुरा शुड बी आर करेक्ट आंसर। चंद्रकांत सोमपुरा इज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ अयोध्या राम टेम्पल, है ना, एंड केवल उनकी फैमिली द्वारा, मतलब वो सदियों से, सालों से उनकी फैमिली जो है वो मंदिर जो जो डिजाइन होती है उनका काम कर रहे हैं। इनके द्वारा देश भर में अराउंड 200 टेम्पल जो डिजाइन किए गए, तो उन्हीं के द्वारा सोमनाथ टेम्पल भी डिजाइन किया गया था फ्रॉम हिज फैमिली ओनली, क्लियर। सो अब उनके द्वारा ही राम टेम्पल भी डिजाइन किया गया। तो यहाँ हमारा अगर टेम्पल डिजाइन की बात आती है तो चंद्रकांत सोमपुरा शुड बी आंसर। अगर वहां पर मूर्ति किसने डिजाइन की थी, मूर्ति किनके द्वारा बनाई गई थी, तो वहां पर हमारा आंसर जो है वो अरुण योगीराज होना चाहिए, है ना, जो 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 मूर्ति बनाई गई थी वॉज कार्व्ड बाय अरुण योगीराज। और जो बाकी दो दो नाम दिए गए हैं आपको, इनके द्वारा दो दूसरी मूर्तियां बनाई गई थी, तीन मूर्तियों में एक मूर्ति को वहां पर चुना गया था जो कि अरुण योगीराज, जो अपने मूर्ति भगवान की आप देखते हैं वहां पर, उस मूर्ति को अरुण योगराज द्वारा बनाया गया है। तो अगर मूर्ति पूछी जाती है तो अरुण योगराज आंसर होना चाहिए, अगर मंदिर के बारे में पूछते हैं डिजाइन के बारे में तो चंद्रकांत सोमपुरा शुड बी आर आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 सेज इंडिया फर्स्ट सोलर पावर्ड बोट विल बी ऑपरेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। तो ये भी जो क्वेश्चन है वो अयोध्या से ही रिलेटेड है। अयोध्या में जो सरयू नदी है ना, वहां पर ही देश का पहला सोलर पावर्ड इनेबल्ड बोट जो है वो रन की जाएगी इन 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 सरयू रिवर इन अयोध्या ओनली। तो दिस ऑल्सो क्वेश्चन ऑल्सो रिलेटेड टू अयोध्या। विच स्कीम हैज बीन लॉन्च टू इंस्टॉल सोलर एनर्जी पैनल्स ऑन द रूफ टॉप ऑफ 1 करोड़ हाउसेस इन, अब ये लास्ट क्वेश्चन से कनेक्टेड है, वो सोलर एनर्जी वाला था, यहाँ पर सोलर रूफ टॉप की बात की गई है कि वहां पर जो है सोलर पैनल जो है वो लगाए जाएंगे, सोलर एनर्जी पैनल आर गोइंग इंस्टॉल्ड। और पीएम मोदी का तो विजन है कि पूरे देश भर में इसको इस्तेमाल आगे जाकर किया जाना चाहिए, है ना। तो उस ताल्लुक में पीएम सूर्योदय योजना की बात की गई है, पीएम प्रधानमंत्री सूर्य योजना एम्फेसाइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ सोलर एनर्जी, है ना। इन हिज पोस्ट टू सोशल मीडिया हैंडल ही हाइलाइटेड द पीपल ड्रॉ एनर्जी फ्रॉम द लाइट ऑफ सूर्यवंशी लॉर्ड टेम्पल, है ना। तो उस ताल्लुक में ये तीनों क्वेश्चन को देखें ना तो आपस में कनेक्टेड टेम्पल ही, हाइलाइटेड द पीपल ड्रॉ एनर्जी फ्रॉम द लाइट ऑफ द सूर्यवंशी लॉर्ड श्री राम, है ना। तो ऑन द ओकेजन ऑफ कॉन्सेक्रेशन ऑफ लाइफ इन अयोध्या द प्राइम मिनिस्टर एक्सप्रेस इज रिजॉल्व फॉर एवरी इंडियन हाउस होल्ड शुड हैव इट्स ओन रोल रूफ टॉप सोलर सिस्टम। तो उनके द्वारा बोला गया कि देश भर में हर घर में रूफ टॉप सोलर सिस्टम होना चाहिए, और उसके लिए जो पर्टिकुलर स्कीम लॉन्च की गई, जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, दैट इज टर्म्ड एज पीएम सूर्योदय योजना, है ना। देन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन मार्क्ड एज इंडिया फर्स्ट डार्क स्काई पार्क। अब इसको ऐसे समझिए कि अगर आप शाम के समय, रात के समय जब आसमान की तरफ देखते हैं तो आई बिलीव मोस्ट ऑफ अस वुड नॉट फाइंड स्टार्स देयर, एंड बिलीव मी एक बार आप देखिएगा, ऐसा इसलिए होता है कि बिकॉज लॉट ऑफ पॉल्यूशन इज देयर, एंड पॉल्यूशन नॉट नॉर्मल पॉल्यूशन तो है ही, इसके अलावा लाइट पॉल्यूशन भी होता है। लाइट पॉल्यूशन का मतलब होता है कि डार्कनेस इज नॉट देयर, वेन डार्कनेस इज नॉट देयर यू कैन स्टडी दी सिस्टम, यू कैन स्टडी दिसको बोलना चाहिए सोलर सिस्टम, यू कैन स्टडी दी यूनिवर्स। तो उस ताल्लुक में एक स्पेशल डार्क स्काई पार्क बनाए जाते हैं, सेंचुरी बनाई जाती है एक तरीके से। तो इट इज पेंच टाइगर रिजर्व जो महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पर देश का पहला डार्क स्काई पार्क जो है वो बनाया जा रहा है ना। और क्यों होता है ऐसा, क्योंकि यदि हमको स्टडी करनी हो तो हमको एक प्रॉपर स्काई ऐसा चाहिए जहां पर हम देख पाए, जो नॉर्मल हम सिटीज की बात करें तो वहां यह करीब करीब असंभव होता है। सो इट इज पेंच टाइगर रिजर्व हैज अचीव डिस्टिंक्शन ऑफ इंडिया फर्स्ट डार्क स्काई पार्क एंड फिफ्थ इन द एशिया। 27th नेशनल यूथ फेस्टिवल वॉज इनॉग्रेटेड इन नासिक ओनली, नासिक में देश का 27वां नेशनल यूथ फेस्टिवल जो है वो इनॉग्रेट किया गया था ऑन 12th ऑफ जनवरी, जो होता है जो युवा दिवस होता है, दैट इज बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद, उस दिन इस फेस्टिवल को पीएम मोदी द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। देन इंडिया लॉन्गेस्ट सी ब्रिज वॉज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग
सिटी, तो इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। मुंबई में देश का सबसे बड़ा, सबसे लॉन्गेस्ट सी ब्रिज जो है वो इनॉग्रेट किया गया था बाय पीएम मोदी। इट इज टर्म्ड एज अटल सेतु, से कहा जाता है अटल बिहारी वाजपेयी सिवरी नावा शिवस अटल सेतु, इसको बोला जाता है। इट इज 21.8 किलोमीटर लॉन्ग है ना, विद 16.5 किलोमीटर ओवर द सी। इट बिगेम फैसिलिटिंग मोर देन 70,000 व्हीकल डेली बेसिस, ऑन डेली बेसिस को बोलना चाहिए। तो इट वॉज लॉन्च्ड, इट वॉज इनॉग्रेटेड इन मुंबई समटाइम बैक। क्वेश्चन नंबर 27 सेज विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामिलिट्री फोर्सेस बोल सकते हैं हैज टेकन ओवर द कंट्रोल ऑफ पार्लियामेंट सिक्योरिटी फ्रॉम दिल्ली पुलिस। इसको समझिए कि कुछ समय पहले पार्लियामेंट में एक इंसिडेंट हुआ था है ना, उसमें से तीन लोग जो थे वहां पर एक तरीके से इन्फिल्ट्रेशन उनके द्वारा किया गया था। तो उस सिक्योरिटी ब्रीच के ताल्लुक में दिल्ली पुलिस से वो अथॉरिटी लेकर के नाउ इट इज बीन गिवन टू CISF है ना, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस जो होती हैं, दे अज्यूम द रोल ऑफ पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी फ्रॉम दिल्ली पुलिस। मतलब दिल्ली पुलिस से उसे ले लिया गया है, नाउ CISF इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ द सिक्योरिटी इन ऑफ द पार्लियामेंट इन दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 28 सेज इंडिया लार्जेस्ट सर्कुलर रेलवे विल बी कंस्ट्रक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। सर्कुलर रेलवे का मतलब होता है, लेकिन नॉर्मली हम देखते हैं कि रेलवे जो होती है ना, जैसे मुंबई की बात करें तो वहां पर रेलवे लाइन जो होती है वो डेड एंड आगे जाकर के होता है, किसी टर्मिनस पर जाकर रुक जाती है एंड वहां से दिल बी कमिंग बैक। बट अगर सर्कुलर रेलवे की बात करें तो किसी एक सिटी के आसपास दिस कंप्लीट सिस्टम विल बी देयर वेर इन दे आर गोइंग टू कम बैक टू द सेम स्टेशन आफ्टर एक रिवोल्यूशन की तरह एक मान के चलें। तो बेंगलुरु द्वारा 287 किलोमीटर लॉन्ग सर्कुलर रेलवे जो है स्थापित किया जा रहा है दैट विल सरपास चेन्नई 235 किलोमीटर लॉन्ग सर्कुलर रेलवे। मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट दे आर गोइंग टू कवर द सिटी एंड दे आर गोइंग टू अगेन कम बैक टू द सेम पॉइंट। तो इसको सर्कुलर रेलवे कहा जाता है। मतलब यहां पर हम बोल सकते हैं कि दिस इज गोइंग टू बी बेंगलुरु एंड दिस सर्कुलर पाथ दे आर गोइंग टू कवर एंड गोइंग टू कम बैक टू सेम प्लेस आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 287 किलोमीटर। और दिस नॉट द फर्स्ट टाइम, ये चेन्नई में पहले से यहाँ पर है। तो चेन्नई का जो जो सिस्टम है वो 235 किलोमीटर लॉन्ग है, उसको सरपास करते हुए बेंगलोर का सर्कुलर सिस्टम जो है वो क्रिएट किया जा रहा है। तो आंसर शुड बी बेंगलोर ओवर हियर, बेंगलुरु। Which of the following was included in the list of UNESCO's intangible cultural heritage list? मैंने आपसे पहले भी कहा जब बांग्लादेश की वो जो रिक्शा पेंटिंग की बात कर रहे हैं, तो वो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज कौन सा होता है जो कोई स्थान ना होकर के कोई आर्ट एंड क्राफ्ट अपने आप में होता है, कोई ट्रेडिशन अपने आप में होता है। तो इंडिया में, भारत में गरबा को अभी शामिल किया गया एंड गरबा इज बिकम द 15th सच इंक्लूडेड इन द लिस्ट, राइट। सबसे पहले इट वॉज रामलीला इन 2008 और उसके बाद में आप यहाँ लिस्ट देख सकते हैं, इसके बाद में योग, कुंभ मेला एंड ऑल दीज ना, दे हैव बीन इंक्लूडेड इन द इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज फ्रॉम इंडिया। तो हमारे यहाँ से टोटल 15 आइटम्स आर देयर। 15th इज गरबा। दुर्गा पूजा को 2021 में इंक्लूड किया गया था, 2023 में गरबा को इंक्लूड कर लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 सेज वेयर विल द वर्ल्ड्स हाईएस्ट फाइटर एयरफील्ड इज गोइंग टू बी बिल्ट। तो लद्दाख, शिमला, थिम्पू, इम्फाल आर द फोर ऑप्शन गिवन टू यू। दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित फाइटर एयरफील्ड कहां पर बनाया जा रहा है? इसका सिंपल आंसर जो होता है, लद्दाख इज द प्लेस जिसमें बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी होती है, दे आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट दिस हाइएस्ट, वर्ल्ड हाइएस्ट फाइटर एयरफील्ड इन लद्दाख है ना, लद्दाख में इसको बनाया जाएगा। फाउंडेशन स्टोन स्टोन का डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह द्वारा रखा गया। क्वेश्चन नंबर 31, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस कॉम्प्लेक्स इसके पहले पेंटागन हुआ करता था, दैट इज द मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ यूएस है ना, यूएस जो वहां के जो फोर्सेस होती है उनका हेडक्वार्टर पेंटागन हुआ करता था। उसके बाद में नाउ सूरत इज बिकम द नंबर वन इन टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एयर ऑफिस स्पेस है ना। सूरत में वहां पर जो पीएम मोदी द्वारा इनॉग्रेट किया गया सूरत डायमंड बोर्ड जिसे कहा जाता है, वहां पर इट्स अ कंप्लीट बिल्डिंग, कनेक्टेड बिल्डिंग एंड दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस स्पेस उसको कहा जा रहा है। सो इट इज सरपास्ड, एज आई टोल्ड यू, पेंटागन ऑफिस बिल्डिंग इज इवन लार्जर देन द पेंटागन। कंट्रीज इज द कंट्रीज लार्जेस्ट कस्टम क्लियरेंस हाउस वहां पर, मतलब क्लियरिंग हाउस वहां पर बन रहा है। और इट इज गोइंग टू बी अ प्लेस वेर इन रफ एंड पॉलिश डायमंड का अपने आप में दिस गोइंग टू बी ग्लोबल सेंटर, इट इज गोइंग टू बी हब इन दिस, बिकॉज सूरत इज फेमस फॉर इज डायमंड ट्रेड। तो वहां पर पीएम मोदी द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट दिस ऑफिस स्पेस को कुछ समय पहले इनॉग्रेट किया गया। क्वेश्चन नंबर 32 सेज विच कंट्रीज प्रेसिडेंट वॉज चीफ गेस्ट एज रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन 2024। देखिए, 26 जनवरी 2024, मतलब 26 जनवरी हर वर्ष
हमारे हमारे यहाँ पर जो फंक्शन होता है दिल्ली में, उसमें किसी ना किसी विदेशी मेहमान को बुलाया जाता है, चीफ गेस्ट की तरह उन्हें यहाँ पर आमंत्रित किया जाता है, राइट। तो इस बार फ्रांस के राष्ट्रपति इमोनुअल मैक्रोन जो होते हैं, ही वेंट ऑन टू बिकम दी फ्रेंच मतलब दिस चीफ गेस्ट फॉर दिस ईयर्स सेलिब्रेशन, और हर दफा बुलाया जाता है। तो ही वेंट ऑन टू बिकम द फिफ्थ द सिक्स्थ फ्रेंच लीडर हु वेंट ऑन टू पार्टिसिपेट इन दिस आर सेलिब्रेशन, है ना। इसके पहले यहाँ पर जैकस चिराक आए थे, मतलब जैकस चिराक इज वेरी फेमस बिकॉज 1976 में ही केम एज प्रेसिडेंट एंड देन इन 1998 ही केम एज प्राइम मिनिस्टर, सॉरी इनिशियली एज प्रेसिडेंट लेटर एज प्राइम मिनिस्टर, मतलब पहले 76 में आए थे एज ए प्राइम मिनिस्टर और बाद में जाकर एज ए प्रेसिडेंट आए थे। तो अब तक फ्रांस से 6 लीडर जो हैं वो हमारे यहाँ पर हमारा जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन होता है उसमें शामिल हो चुके हैं, ही इज बिकम द सिक्स्थ लीडर। पिछले 5 साल की अगर हम बात करें तो 2019 इट वाज साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट सिरिल रामफोसा, 2020 इट वाज ब्राजील प्रेसिडेंट जेल बोल्सोनारो जो अभी नहीं है, अब लुला दा सिल्वा वहां के प्रेसिडेंट हैं, 2021 में इट वाज कोविड टाइम, तो कोविड के कारण पर 2021-22 में कोई भी प्रेसिडेंट मतलब देर वॉज नो चीफ गेस्ट इन 2021 एंड 22 एंड 2023 में इट वॉज अब्दुल फतेह अल सिसी, राइट। ये इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं, इजिप्ट के प्रेसिडेंट ये आए थे 2000 सॉरी इन 2023 एंड 2024 में इट इज फ्रांस प्रेसिडेंट एमैनुअल मैक्रोन हु वेंट ऑन टू बिकम द चीफ गेस्ट फॉर आर रिपब्लिक सेलिब्रेशन। इन विच सिटी विल इन कंट्रीज फर्स्ट एआई सिटी विल बी एस्टेब्लिश, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए अपने आप में एआई सिटी डेवलप की जा रही है इन सिटी ऑफ लखनऊ इन उत्तर प्रदेश, है ना। सो इट इज इंडियाज फर्स्ट एआई सिटी यहाँ पर बनाई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 34 सेज व्हिच हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट एयरलाइन टू कैरी 100 मिलियन पैसेंजर्स इन ईयर, एक वर्ष में 100 मिलियन पैसेंजर्स को यात्रा कराने वाली पहली एयरलाइन कौन सी बनी है। तो इंडिया इंडिगो हैज बिकम द फर्स्ट एयरलाइन इन आर नेशन, है ना, टू हैव 100 मिलियन पैसेंजर्स इन अ सिंगल कैलेंडर ईयर, एक साल में 100 मिलियन पैसेंजर्स इज 10 करोड़ पैसेंजर्स होते हैं, 100 मिलियन इज 10 करोड़, एक वर्ष में 10 करोड़ पैसेंजर्स को सर्विसेज देने वाली पहली एयरलाइन हमारे देश की बनी है। ऑल्सो मेड इंडिगो फर्स्ट वंस वन ऑफ द सिलेक्ट ग्रुप ऑफ ग्लोबल करियर्स टू ऑपरेट सच अ स्केल, है ना, पहली एयरलाइन जो हमारे यहाँ पर बनी। दे ऑल्सो आर द फर्स्ट वन टू ऑपरेट मोर देन 2000 फ्लाइट्स इन अ डे, एक दिन में 2000 फ्लाइट्स देश भर के अलग अलग एयरपोर्ट्स इनके द्वारा ऑपरेट की गई थी इन ईयर 2023। सो सबसे बड़ी एयरलाइन आप माने। इन विच स्टेट वॉज वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड टेम्पल वन बिल्ड, किस जगह पर दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड टेम्पल, मतलब 3D के द्वारा आपने देखा हो कि 2D प्रिंट प्रिंट वगैरह तो इट्स हमने देखा ही है, नॉट टू मेंशन इट ऑल, बट 3D प्रिंटिंग जो होती है वो भी एक मंदिर पूरा की पूरा 3D प्रिंटिंग से निर्माण किया गया। तो दिस इज द टेम्पल यू कैन सी, दिस वॉज मेड बाय 3D प्रिंटिंग ओनली, मतलब यहाँ पर जो बेसिक प्रोसेस होती है उसको ना यूज करके 3D के फॉर्म में इसको डिजाइन करके बनाया जाता है। तो इट इज स्टेट ऑफ तेलंगाना द फर्स्ट एवर इन द वर्ल्ड दिस 3D प्रिंटेड दिस टेम्पल वॉज अनवील्ड, है ना, कुछ समय पहले वहां पर अनवील किया गया। विच स्टेट इज पॉइज्ड टू बिकम फर्स्ट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट द यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट करने वाला उत्तराखंड, उत्तराखंड इज गोइंग टू बिकम द सेट टू मेक हिस्ट्री बाय बिकमिंग फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट द यूनिफॉर्म सिविल कोड, वहां पर जो बिल लाया था उसको ओके किया गया है, और भारत में उत्तराखंड इज गोइंग टू बिकम द फर्स्ट सच स्टेट टू हैव टू टू गो फॉर द यूनिफॉर्म सिविल टू इम्प्लीमेंट द यूनिफॉर्म सिविल कोड। लार्जेस्ट ओपन एयर एनुअल ट्रेड फेयर इन एशिया इज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, तो देखिए उड़ीसा में एक फेस्टिवल मनाया जाता है, दिस टर्म इज बाली यात्रा। अब बाली यात्रा फेस्टिवल जो होता है वो बाली जो बेसिकली जो जगह है ना इंडोनेशिया में, वहां एक सदियों पहले मतलब उड़ीसा से वहां पर एक यात्रा होती थी, इट्स अ लॉन्ग जर्नी यूज टू हैपन, तो उस यात्रा को ध्यान रखते मतलब उसके यादगार के फॉर्म में एक ओपन एयर एनुअल ट्रेड फेयर होता है, राइट, एंड दैट इज एशियाज लार्जेस्ट ओपन एयर ट्रेड फेयर। तो ये महानदी के तट पर कटक में इसको हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो यहाँ पर हमारा आंसर शुड बी ओडिशा ओनली। वेयर वॉज द टॉलेस्ट स्टेचू डॉक्टर अम्बेडकर आउटसाइड इंडिया वॉज इनॉग्रेटेड, वॉज इनॉग्रेटेड इन यूएस सम टाइम बैक, वहां पर जो यूएस कैपिटल वॉशिंगटन है वहां पर मैरीलैंड एक सबब होता है, वहां पर स्टेचू ऑफ इक्वलिटी है ना की तरह उसको मतलब उस स्टेचू इक्वलिटी नाम दिया गया, और 19 फीट स्टेचू ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर आउटसाइड इंडिया देश के बाहर
सबसे बड़ी मूर्ति वहां पर इनॉग्रेट की गई एंड सम सो मेनी इंडियंस अराउंड द फ्रॉम फ्रॉम यूएस एंड अराउंड द वर्ल्ड दे वर पार्ट ऑफ दिस सेलिब्रेशन. Which agency has raised concern about liability of biometric technology in human climates, particularly in context of India's Aadhaar program? CRISIL, Moody's, ये basically ये rating agencies होती हैं, ना IMF and World Bank, we all know. इनमें से एक ऑप्शन है जिनके द्वारा हमारे देश का जो आधार सिस्टम है, UIDAI द्वारा जो आधार हमारे सिस्टम जो बनाया गया है, उस पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया. तो दे रेज कंसर्न रिगार्डिंग दिस लायबिलिटी ऑफ बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजीज, मतलब जो वहां पर थंब इंप्रेशन जो दिया जाता है, बायोमेट्रिक जो यूज किया जाता है. इन्होंने बोला कि ड्यूरिंग दी समर टाइम व्हेन एमएनआरईजी के थ्रू जो जो मजदूर वहां काम कर रहे होते हैं, वो जब इस तरीके से काम कर रहे होते हैं और समर टाइम जो होता है, तो उनके हाथों में पसीना आ जाता है, और इस कारण पर बायोमेट्रिक सिस्टम जो उनके द्वारा यूज किया जाता है वो अपने आप में रिलायबल नहीं होगा या वो अपने आप में काम नहीं करता है. एंड मे बी दीज पीपल हु आर वर्किंग देयर, वो उनको अपनी सैलरी या उनको जो उनका पारितोषिक मिलना चाहिए वो उन्हें सही समय पर नहीं दिया जाता है. तो देर वो ये बोल रहे हैं कि ड्यूरिंग दिस आधार वेरिफिकेशन जो प्रोसेस होती है, इसमें बायोमेट्रिक यूज होता है, वो अपने आप में सही तरीके से यूज नहीं होता है और इस कारण लोगों को उसका नुकसान झेलना पड़ता है. दैट इज दी कंसर्न, या जिसको बोलना चाहिए अपने आप एलिगेशन जो है वो मूडीज द्वारा लगाया गया था, है ना. तो दे वेंट ऑन टू शो दिस कंसर्न लायबिलिटी ऑफ बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजीज इन ह्यूमन क्लाइमेट, है ना, समर टाइम में इंडिया में, है ना. तो उनके द्वारा बोला गया था कि इट्स अ पोटेंशियल रिस्क की तरह अपने आप में उनके द्वारा देखा गया. बट हमारे द्वारा ये बोला गया था कि जो लोग इस स्टडी को, सर्वे की जो बात करें, उन्होंने सिस्टम को जानते ही नहीं है, सिस्टम को, दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस. और हमारे मतलब यूएडी द्वारा ये बोला गया, मतलब गवर्नमेंट द्वारा बोला गया कि भाई ये एक बार यूज होता है, ये बारंबार हर दिन इसको यूज नहीं किया जाता है. सो मे बी इन दैट रिगार्ड आधार को उससे जोड़ करके इस तरीके से देखा जाए तो वो अपने आप में सही नहीं है. मतलब उन्होंने बोला है कि आधार में इस प्रोसेस को इंक्लूड करने के लिए वन टाइम प्रोसेस की जाती है, तो इट्स नॉट ऑलवेज, उसका अल्टरनेट भी इस तरीके से होते हैं. मे बी मतलब कुछ बताया गया उनके द्वारा, एंड दैट वे इंडिया मतलब गवर्नमेंट द्वारा इसको डिनाई किया गया, बट मूडीज द्वारा इसको बोला गया था कि दे हैव रेज कंसर्न कि इट इज नॉट गोइंग टू वर्क इन द ह्यूमन कंडीशंस इन इंडिया, है ना. बिकॉज द डाटा सेज दैट सच फिंगरप्रिंट्स एंड फेशियल रिकॉग्निशन पैटर्न इज हाईलाइटेड एज बीइंग पर्टिकुलरली सेंसिटिव एंड पोटेंशियली एट द रिस्क. वहीदा रहमान वॉज अवॉर्डेड दादा साहब फाल्के अवार्ड लास्ट ईयर. आप सिंपली पूछा गया कि इनमें से किस वर्ष के लिए उनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था, है ना. देखिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो होता है वो हमारे देश का सबसे बड़ा अवार्ड है इन टर्म्स ऑफ सिनेमा इन आवर नेशन. और दादा साहब फाल्के जो थे हमारे देश में वो जनक माने जाते हैं, टर्म्ड एज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा इन आवर नेशन. तो 1969 में ये अवार्ड की शुरुआत की गई थी, देविका रानी जो थी, जो एक्ट्रेस थी, उनको ये पहली दफा अवार्ड दिया गया था. और ये अवार्ड पूरे जीवन भर का जो योगदान होता है, एक तरीके से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है और हाईएस्ट अवार्ड इन टर्म्स ऑफ सिनेमा इन आवर नेशन. लास्ट ईयर इट वॉज गिवन टू वहीदा रहमान को, ये पिछले साल दिया गया था, और ये दिया गया था फॉर ईयर 2021, समझ लीजिए 2023 में दिया गया है, बट किस वर्ष के लिए दिया गया था, तो इट वॉज गिवन फॉर ईयर 2021. उसके एक साल पहले इट वॉज गिवन टू आशा पारेख, तो इट शी वॉज गिवन फॉर ईयर 2020. तो ये क्वेश्चन देखते से जंप मत करिए कि 2023 में दिया गया, 2023 के लिए दिया गया या 22 के लिए दिया गया, इसमें थोड़ा डिले मान के चलिए. तो 2021 के लिए उन्हें ये वहीदा रहमान को ये अवार्ड दिया गया था, और इसके पहले इट इज ऑलरेडी ऑलरेडी बीन गिवन टू रजनीकांत, विनोद खन्ना, अमिताभ बच्चन को पहले दिया जा चुका है. देन बेसबॉल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पर हम स्पोर्ट्स के क्वेश्चन के ताल्लुक में देखें तो बेसबॉल किस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स से रिलेटेड है. दिस टर्म इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट. अब यहाँ पर ध्यान से देखें तो इस टर्म को हमने कई बार अभी अभी लेटेस्ट अगर कुछ देखें कुछ दिनों पहले बारंबार इसको हमने यूज करते हुए देखा है. दिस टर्म इज यूज रिलेटेड टू इंग्लैंड क्रिकेट टीम. इंग्लैंड क्रिकेट टीम का जो रवैया होता है, जिस जिस पैशन से, जिसको बोला जाए, जिस एग्रेशन से वो खेलते हैं, उस एग्रेशन को बेसबॉल कहा जाता है. बिकॉज दिस वॉज अ टर्म विच वॉज नो ब्रेंडम मैकुलम के लिए यूज होता था, तो वो जब कोच बने तो उसको एक तरीके से इसमें इंक्लूड कर लिया गया. तो इंग्लैंड की टीम जिस तरीके का क्रिकेट खेलती है उसको बेसबॉल कहा जाता है. इट्स अ एग्रेसिव फॉर्म ऑफ प्लेइंग क्रिकेट. बेसबॉल इज नॉट रिलेटेड टू बेसबॉल, बेसबॉल इज रिलेटेड टू क्रिकेट ओनली, क्रिकेट से रिलेटेड है. उसको कॉलेज डिक्शनरी में भी कुछ समय पहले शामिल किया गया है ना. देन ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग विल बी नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग. वी ऑल नो देयर इज न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग विच वॉज इनॉग्रेटेड लास्ट ईयर. जो ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग थी जो 1926-25 में जो बनी थी, उस बिल्डिंग को अब संविधान भवन कहा जाता है. मतलब लाइक अ ट्रिब्यूट गिवन टू, बिकॉज दिस इज द प्लेस जहां से हमारे संविधान एक तरीके से स्टार्ट हुआ था. तो ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग इज नोन एज संविधान सदन नाउ. द नेम मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन हाउस
एंड सब फिटिंग ट्रिब्यूट टू बिल्डिंग्स रोल इन ड्राफ्टिंग और ऑप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर नेशन। तो वहां से हमारे संविधान की तो शुरुआत हुई थी, ड्राफ्ट किया गया, अडॉप्ट किया गया, इसलिए पुरानी बिल्डिंग को संविधान सदन कहा जाता है। न्यू जो है, नई वाली न्यू पार्लियामेंट वो बन चुकी है। देन स्टेच्यू ऑफ वननेस वॉज रिसेंटली अनवील्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। स्टेच्यू ऑफ वननेस जो है वह तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर ऑफ एमपी, तो उनके द्वारा स्टेचू ऑफ वननेस को शुरुआत की गई थी, इनॉग्रेट किया गया था इन ओंकारेश्वर, है ना। तो 108 फिट टॉल स्टेचू ऑफ वननेस वॉज इनॉग्रेटेड इन ओंकारेश्वर एमपी इन ऑन सितंबर 21। उस समय जो थे, उस समय शिवराज सिंह चौहान वॉज दी चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। तो उनके द्वारा आदि शंकराचार्य की वह प्रतिमा जो उस जो 12 वर्ष के थे, तो उनके 12 वर्ष के जो काल था ना, 12 वर्ष की उम्र में जैसे वो दिखते थे, उस प्रतिमा को मतलब वैसी प्रतिमा को बना करके इनॉग्रेट कराया गया इन ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक होता है, मध्य प्रदेश में स्थित है, खंडवा डिस्ट्रिक्ट में आता है, और वहां पर इसको इनॉग्रेट किया गया था। और इट वॉज द प्लेस वेर इन जो शंकराचार्य थे उनके द्वारा वो शिक्षा ग्रहण की गई थी। ही वॉज बेसिकली फ्रॉम केरला, राइट। सो उनकी प्रतिमा को इनॉग्रेट किया गया। दिस पर्टिकुलर स्टैचू इज टर्म्ड एज स्टैचू ऑफ वननेस, उसे कहा जाता है। विच फीमेल क्रिकेटर वॉज अपॉइंटेड एज द डीएसपी इन यूपी पुलिस? किस फीमेल क्रिकेटर को यूपी पुलिस, जो वहां पुलिस होती है, वहां पर उनको डीएसपी की पोजीशन दी गई है? तो शी इज दीप्ति शर्मा। शी वेंट ऑन टू अचीव द पोजीशन ऑफ डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस इन उत्तर प्रदेश पुलिस। देन हु इज बिकम इंडियाज नंबर वन चेस प्लेयर? देखिए, फॉर वेरी लॉन्ग टाइम इट वॉज विश्वनाथन आनंद, जो कि हमारे देश में नंबर वन चेस प्लेयर थे। उनकी उनके ही मेंटर, मतलब विश्वनाथन आनंद के जो शिष्य हैं, या विश्वनाथन आनंद जिनके मेंटोर हैं, आर प्रगनंदना, ही वेंट ऑन टू बिकम दी न्यू वर्ल्ड न्यू चेस चैंपियन, न्यू चेस नंबर वन प्लेयर इन आर नेशन। आफ्टर उनके मेंटर जो है बेसिकली विश्वनाथन आनंद के बाद में, ही वेंट ऑन टू बिकम द न्यू चैंपियन, नए नंबर वन प्लेयर ये बने आर प्रगनंदना। ही इज फ्रॉम तमिलनाडु ओनली। तमिलनाडु से मोस्टली जो हमारे जो ग्रैंड मास्टर्स हैं, है ना, अराउंड 28 ग्रैंड मास्टर्स आर फ्रॉम तमिलनाडु ओनली। तो जो आर प्रगनंदना है, ही वेंट ऑन टू बिकम द नंबर वन प्लेयर इन चेस इन इंडिया। हु वॉन दी ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 मैन सिंगल्स टाइटल? देखिए, अगर स्पोर्ट्स के क्वेश्चन देखें ना, स्पोर्ट्स के क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट होता है जो 4 ग्रैंड स्लैम कराए जाते हैं हर वर्ष, उनके विनर जो है कई बार पूछे जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो होता है वो साल का पहला ग्रैंड स्लैम होता है। तो 2024 की बात करें तो 2024 में अभी केवल एक ही ग्रैंड स्लैम हुआ है, दैट इज ऑस्ट्रेलियन ओपन, राइट। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 किन के द्वारा जीता गया? तो इट वाज जेनिक सिनर। जेनिक सिनर इज बेसिकली इज एन इटालियन प्लेयर। तो इटालियन प्लेयर जेनिक सिनर वेंट ऑन टू विन दी 2024 ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो ओनली थर्ड इटालियन प्लेयर है जो जो ऑस्ट्रेलियन ओपन जीते हैं, और इस वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम। देखिए, 4 ग्रैंड स्लैम जो होते हैं वो होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन एंड विंबलडन। तो पिछले दफा क्या हुआ था, नोवाक जोकोविक वो 4 में से 3 जीत गए थे। लास्ट ईयर द 3 वॉज वॉन बाय हिम, और केवल विंबलडन जो था वो विंबलडन जो था दैट वॉज वॉन बाय कार्लोस अल्कारस। तो बारिंग विंबलडन ऑल द 3 वर वॉन बाय नोवाक जोकोविक। इस बार बिगनिंग में सबसे पहला होता है दैट हैज बीन वॉन बाय जेनिक सिनर, ही इज फ्रॉम इटली ओनली। शॉर्टेस्ट टेस्ट एवर इन 147 ईयर ओल्ड हिस्ट्री वो रिसेंटली प्लेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन? देखिए, टेस्ट में इंडिया इज डूइंग प्रीटी वेल दीज डेज। इन्होंने अभी कुछ समय पहले इंग्लैंड को हराया है, और इसके पहले साउथ अफ्रीका में जो टूर था उसमें इंडिया वेंट ऑन टू विन द टेस्ट इन ओनली 107 ओवर्स का मैच हुआ था, और इसको कम से कम, तो सबसे 1.5 दिन का मैच चला था, है ना, और केवल 107 ओवर में ये पूरा मैच समाप्त हो गया था। इंडिया वेंट ऑन टू विन द मैच अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन साउथ अफ्रीका, जो 147 वर्ष के इतिहास में सबसे छोटा समय इस मैच इस गेम को खेलने में लगा था, 107 केवल ओवर्स में खेले गए थे, है ना। सो इट वाज द लोएस्ट, जिसको बोले शॉर्टेस्ट एवर टेस्ट मैच व्हिच वाज प्लेड इन लास्ट 147 इयर्स ऑफ क्रिकेट हिस्ट्री। क्वेश्चन 48 सेज बीसीसीआई रिसेंटली डिसाइडेड टू रिटायर द जर्सी ऑफ विच ऑफ द फॉर्मर क्रिकेटर, है ना। तो किस क्रिकेटर की जर्सी को बीसीसीआई ने, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया द्वारा रिटायर कर दिया गया, मतलब उस नंबर की जर्सी किसी भी प्लेयर को अब नहीं दी जाएगी। एंड दिस इज ओनली सेकंड ओकेजन, ये केवल दूसरी दफा ऐसा हुआ है। तो अभी कुछ समय पहले बीसीसीआई द्वारा महेंद्र सिंह धोनी, एमएस धोनी की जर्सी जो होती है उसे रिटायर किया गया, इट वॉज जर्सी नंबर 7, है ना। तो अब रिटायर का मतलब होता है कि दिस जर्सी नंबर इज नॉट गोइंग टू बी वोर बाय
कोई भी इसको नहीं पहनेगा, नो प्लेयर विल बी गिवन दिस नंबर जर्सी. इसके पहले इट वॉज नंबर 10 विच वॉज जर्सी नंबर फॉर सचिन तेंदुलकर. तो प्रीवियसली तेंदुलकर की जर्सी को रिटायर किया गया था, अभी धोनी की जर्सी को रिटायर किया गया है बाय बीसीसीआई, ओनली सेकंड प्लेयर इन इंडिया. विच कंट्री विथड्रू फ्रॉम होस्टिंग 2034 वर्ल्ड फीफा वर्ल्ड कप. तो देखिए फीफा वर्ल्ड कप जो है वो ऑस्ट्रेलिया में करवाया जा रहा था, बट ऑस्ट्रेलिया द्वारा मना कर दिया गया बिकॉज ऑफ सम इश्यूज, दे विथड्रू, मतलब वो फाइनेंशियल इश्यूज के कारण, तो उनके द्वारा विथड्रू कर दिया गया कि वी आर नॉट गोइंग टू गो फॉर, वी आर नॉट गोइंग टू ऑर्गेनाइज दिस. सो नाउ दिस 2034 फीफा वर्ल्ड कप विल बी ऑर्गेनाइज बाय सऊदी अरेबिया आफ्टर ऑस्ट्रेलिया विथड्रू देयर नेम. एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डिस्कशन इज हु वर द फ्लैग बेयरर्स ऑफ इंडिया इन द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ एशियन गेम्स जो चाइना में हुए थे. तो ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बेयर कौन थे? तो देखिए फ्लैग बेयर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ओपनिंग एंड दिस क्लोजिंग सेरेमनी. ओपनिंग सेरेमनी में इट वाज हरमन सिंह, हरमनप्रीत सिंह द कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी टीम एंड लवलीना बोरगोहेन द प्यूजलिस्ट बॉक्सर, है ना, दे वर द फ्लैग बेयर फॉर द ओपनिंग सेरेमनी. और यही एशियन गेम्स की हम बात करें तो जो क्लोजिंग सेरेमनी थी उसमें आर रिजिज जो हमारे गोल कीपर है इंडियन हॉकी टीम के, वह क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बेयर थे. राइट, तो दिस बोथ ऑफ दिस मतलब ओपनिंग एज वेल एज क्लोजिंग बोथ शुड बी रिमेंबर्ड, दोनों ही हमको याद होने चाहिए. तो हियर इन वी हैव डिस्कस्ड 50 क्वेश्चंस फ्रॉम वेरियस टॉपिक्स, ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यू आर ट्राई टू कवर, है ना. इन नेक्स्ट डिस्कशन वी आर गोइंग टू मीट फॉर आर स्टैटिक जीके वाला पार्ट के लिए हम लोग मिलने वाले फॉर आर थर्ड डिस्कशन, थर्ड जो हमारी सीरीज का थर्ड जो लेक्चर होगा. तो वी आर गोइंग टू मीट अगेन शॉर्टली. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर. इफ यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल इनफ, please subscribe our channel. We are going to meet again shortly. Thank you very much. Thanks a lot.